हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richagandhi.in। आज मैं आपके लिए एक बैंगल स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन लाई हूँ और ये बहुत ही सिंपल है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंगल का जो पार्ट रहता है अपने हाथों में, उसको मैं बनाऊंगी। और बनाने के लिए पहले मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो वो मेजरमेंट मैं ले लेती हूँ। समझ लो कि मेरे को इसके अंदर सब करना है मैनेज। तो सबसे पहले ये दो लाइंस बनेगी मेरी, फिर इसके पास में ही दूसरी लाइन बना के उसको मैं डार्क लाइन बना दूंगी, बिल्कुल वैसा ही इस और भी। ठीक है, ये होने के बाद अब हम वहाँ पे फिर से उसके ही पास में एक पतली लाइन बना देंगे, वैसा ही इस और भी बना देंगे। अब हम यहाँ पे यू शेप पैटर्न बनाएंगे, फिर उसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे, मैक्स दो तीन या चार फ्लावर ही आएंगे। हाथों के हिसाब से आप फ्लावर कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब बीच में हम कुछ अलग तरह की चेक्स बना रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले आप इसको पेंसिल से बनाए, मैं आपको पेंसिल से बना के सही से दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ पेंसिल से सिंपल लाइंस बना के दिखा रही हूँ, शायद आपको दिखेगी एकदम हल्की हल्की लाइंस जैसा मैं कुछ बना रही हूँ। आप कौन से भी कर सकते हो, पर अगर आप नए हो तो पहले पेंसिल से ही इसका इस्तेमाल करके बनाए और फिर उसी तरह से दूसरा क्रॉस भी बना दे। अगर आप हाथों में बना रहे हैं तो एकदम हल्का कॉन इस्तेमाल करें। मैं पेपर पे इससे नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस वजह से फिर बहुत ही गंदा दिखता है। फिर अब हम सब जो बीच के जो चेक्स आएंगे सिर्फ उसी को भरना है हमें, तो उस बात का हम ध्यान रख करके बनाएंगे। कुछ इस तरह का दिखेगा, वो निकलने के बाद और भी अच्छा दिखेगा, तो आप ध्यान रख के इसको बनाए। पहले बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब वैसे ही इस और बनाया है जो नीचे की ओर, वैसा ही हम ऊपर की ओर भी बनाएंगे। पहले यू शेप पैटर्न, फिर हमारा फ्लावर, फिर यहाँ पे तीसरा फ्लावर। अब हम ये जो बीच वाली फिंगर है उसको मेजरमेंट करते हुए यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले डॉट, फिर एक लाइन, फिर यू शेप पैटर्न, फिर उसके ऊपर सी शेप, फिर बीच में डॉट कर देंगे वो सी शेप के, फिर उसके आसपास यू शेप पैटर्न बनाएंगे।
अगर आपको इतनी आसानी से यू शेप पैटर्न नहीं आ रही तो आप पेंसिल से या किसी चीज़ से उसका मेजरमेंट, जैसे इतना शेप है तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा हल्का सा लाइन बना दो और फिर उसको मैनेज करते हुए यू शेप पैटर्न बनाए। वो लाइन सिर्फ आपको दिखना चाहिए, किसी और को मेहंदी बनने के बाद नहीं दिखना चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सर्कल में हो जाएगा। अब हम इसके आसपास सिर्फ ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे शेप बनाएंगे। ठीक है, अब हम जो हमारी मिडल की फिंगर है उसको ध्यान में रखते हुए पहले नीचे की ओर डॉट बना देंगे। दो ही डॉट आएंगे, जगह के हिसाब से ज़्यादा कम डॉट आएंगे तो उसका इतना टेंशन नहीं ले। और अब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो अपना जो इसको टेढ़वा बोलते हैं वो छोड़ देंगे और फिर सेकंड से ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। अगर आप फर्स्ट से चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ऐसे सिंपल मेहंदी हो तो उसके ऊपर वो टेढ़वा जो डार्क हम करते हैं वो करेंगे तो शो बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर अपनी चॉइस है बाकी तो। और इसी तरह से हम ऐसे दो या तीन फ्लावर बना देंगे, जगह के हिसाब से बनाएंगे। फिर ये फ्लावर बनने के बाद तो फिर हम इसको ऐसे ही एक और फ्लावर बना करके फिर से इन दोनों के बीच में एक फ्लावर बना के यहाँ पे डॉट्स बना सकते हैं जो नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन हो जाता है। और अभी इतना भी रख सकते हो, और अगर ऐसा नहीं रखना है तो एक और स्टाइल है, वो ये कि आप पहले ऐसे लाइन बनाए फिर डॉट बनाए। ऐसे डॉट्स बनाए फिर एक बॉर्डर बना दे, फिर दूसरी एक लाइन बनाए, फिर यू शेप पैटर्न, फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर से यू शेप पैटर्न और फिर डॉट उसके ऊपर। और ये जो बीच में जगह है वहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे पहले लाइंस। आप इसको चाहे उस तरह से आप लाइंस बना सकते हैं और कुछ लाइंस के बीच में ऐसे डॉट्स बना देंगे, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सब फिंगर्स में करेंगे। सबसे पहले थंब से ही शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन बना देंगे, फिर डॉट्स, फिर लाइन, फिर से एक लाइन, फिर थोड़ा गैप छोड़ के फिर से यू शेप पैटर्न। बिल्कुल ऐसा ही हम फर्स्ट फिंगर पे भी करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरी डिज़ाइन ख़त्म हो रही है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केयर.